लीडरशिप देते हुए और हमारे एडिशनल डीसीपी पुलिस स्टेशन सिगरा में श्री अंकित मेहरा के साथ 50 लाख रुपए की मांग की के संबंध में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। केस के अनावरण हेतु एडिशनल डीसीपी श्री चंद्रकांत मीणा ने एसीपी सुश्री नीतू के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उस टीम में एसएचओ सिगरा श्री राजू सिंह ने अपनी टीम के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने अपना जुर्म इकबाल किया है। उनके कब्जे से 3 एंड्रॉयड फ़ोन जिनके माध्यम से 50 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व 50 लाख डमी नोट्स बरामद हुए हैं। दोनों अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी ज्ञात किया जा रहा है। इस पूरी टीम ने बड़ी ही तत्परता के साथ और शीघ्रता के साथ कार्य किया है। पूरी टीम के मनोबल व उत्साहवर्धन हेतु 20,000 नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। वह एडिशनल डीसीपी श्री चंद्रकांत मीणा व एसीपी सुश्री नीतू को प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया जाएगा। एक चीज़ और सर, कि ये जो पकड़े गए अपराधी, पता चलता है कि ये पहले पूर्व में इनके कार्यरत हैं, काम करते थे, क्या करते? हाँ, इनके परिवार से, पीड़ित परिवार से इनके अच्छी जान पहचान है। वह पहले पूर्व में कार्य भी कर चुके हैं और इन्होंने एक ये जो अपराध कारित करने का प्रयास किया, ये निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर अपराध है। इनका आपराधिक इतिहास भी अन्य जगहों से जानकारी करके इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई और इनके द्वारा यदि अपराध से अर्जित संपत्ति है उसकी भी जानकारी करके गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई संपन्न की जाएगी। कितना चुनौतीपूर्ण रहा इन लोगों को पकड़ना? कैसे पकड़ेंगे ये हमारी सर्विलांस की टीम, हमारे जो अन्य साक्ष्य हैं, वह पूरी टीम ने जो अन्य जो है साक्ष्यों को संकलित किया मुखबिर आदि के द्वारा भी, उससे इनको पूरी सफलता प्राप्त की। जैसे बताया जा रहा है कि फोन पर लगे थे या विद्या से इनको जो है दिया गया है और क्यों पकड़े गए नकली नोट देने से, डेमो नोट जो है वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ से पकड़े गए, कितना पूरी टीम ने जाल बिछाया हमारी जो इसके अनावरण में लगी थी और अपने साक्ष्यों के आधार पर इनको गिरफ्तार किया और सारे तथ्य जो है प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया है। मेरा नाम प्रियंका मेहरा है, मैं मैमूरगंज पंचशील नगर में रहती हूँ। क्या काम होता है? क्या बिजली का काम होता है? क्या था पूरा मामला आपके साथ जो घटना हुआ है? 4-5 दिन से कॉल आ रही थी लगातार कि पैसे मांगने की, तो पहले हम लोग ने हल्के में लिया कि कोई परेशान कर रहा होगा, फिर एक ही नंबर जब घर के सारे सदस्यों पे आने लगा तो हम लोग को लगा कि कोई ऐसा है जो घर की डिटेल जान रहा है, हम लोग आते जाते या हमारे घर में कितने लोग हैं सब उसने बताया, ये विश्वास दिलाने के लिए कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ और तुम सेफ नहीं हो, अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो मैं गोली से उड़ा दूँगा। तो जब हम लोग सर के पास कंप्लेन लेके कल आए तो उसके बाद उन्होंने मैं सारा मतलब हम लोगों ने किस्सा उनको बताया और उस पर एक्शन हुआ और एक्शन का नतीजा निकला कि एक ही दिन में उन्होंने उसको पकड़ लिया। मतलब हमें विश्वास नहीं था कि हमको लगा था कि शायद थोड़ा समय लग जाए, हम लोगों को डर था, 4-5 दिन से घर से निकल ही नहीं रहते कि पता नहीं कौन खड़ा हो या जिस तरह से बोल रहे हैं तो कि कौन हो कि कल को गोली चल गई या मेरा छोटा बच्चा है। तो ये सारा कार्रवाई कंप्लीट करके आज उन्होंने पकड़ लिया। कैसे पकड़े लोग? डेमो बचा रखे थे, कैसे कैसे डील हुआ? डील तो देखिए मेरे से ही हो रही थी फ़ोन पे बात सारी। क्या कि वो पैसा मांग रहा था, आईपी विजय बुला रहा था और नंबर बदल के फ़ोन कर रहा था। हाँ मतलब वो तो फिर गए तो सर लोग हैं, हम लोग को तो घर पे सेफ रखा गया था, हम लोग को तो निकलना ही नहीं था, हम नहीं निकल रहे थे। तो बार्गेन खाली हुआ कि 50 नहीं 40 ये सब बातें, और फिर हमने उसको बातों में उलझाए रखा जिससे लोकेशन सर को मिल पाई। तो ये हुआ कि लोकेशन मिली, फिर सर ने जो भी आगे कार्रवाई की और हमको कहीं नहीं निकलना था। जो पैसा डमी की तरह बनाया गया था कि वो लगे कि 40-50 लाख है,
वो लेके हमने अपने स्टाफ को रवाना किया, सर ने एक्सचेंज किया स्टाफ को, सर लोगों ने फिर निपटा, फिर जो हुआ अरुण सर और सारी टीम ने मतलब उसको पकड़ा और आज यहाँ हम हैं आपके सामने सुरक्षित खड़े हैं।